हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके लेबोरियस। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस प्रकार के रील्स वीडियो कैसे बनाया जाता है वीएन ऐप में। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको वीएन ऐप ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का एक पॉइंट दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और के यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है आपको। और आप यहाँ पे देखिए, बहुत सारा वीडियो है मेरे मोबाइल में, यहाँ पे फ़ोटो है, तो कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लेना है। तो चलिए मैं एक फ़ोटो चूज कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे एक तीर का चिन्ह दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। और अपने और इसके बाद ऊपर देखिए, यहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 9:16 साइज ले लीजिएगा। और इसके बाद इस फ़ोटो के सबसे लास्ट में जाना है आपको। और ये जो ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको काट देना है, डिलीट कर देना है। और अपने ये जो फ़ोटो का लंबाई को बढ़ा देना है अपने गाने के हिसाब से। अगर 27 सेकंड का गाना हो आपका तो 27 सेकंड आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए आप इस पर दो बार क्लिक कीजिएगा, दो बार क्लिक करके, और इसके बाद यहाँ से इसको अपने गाने के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर टैप टू ऐड स्टिकर PIP लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से वीडियो और फ़ोटो में जाना है। और यहाँ फ़ोटो में जाकर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार के वाइट स्क्रीन। तो चलिए, मेरे पास एक वाइट स्क्रीन है, इसको मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, मेरे पास एक वाइट स्क्रीन है, वाइट टेम्पलेट, इसको मैं डाउनलोड करके रखा हूँ गूगल से। तो इसको मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, फिल पे क्लिक करके इसको पूरा कर देना है। उसके बाद इसकी लंबाई को आप गाने के जितना बड़ा लंबाई है गाने का, उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैं चलिए इसको बढ़ा दे रहा हूँ, बढ़ा दिया। और उसके बाद जो भी आप गाना लगाना चाहते हैं वो गाना लगा सकते हैं। चलिए, मैं गाना डाउनलोड करके रखा हूँ यहाँ पे, भोजपुरी गाना है। देखिए, इस प्रकार गाना है, ये गाना है। इस गाना को मैं नीचे एक पॉइंट देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, फ़ोटो जो गाना है। और उसके बाद यहाँ पर फिट दिखाई देगा, फिट ऑप्शन, फिट पर क्लिक करना है। और उसके बाद इसको ड्रैग करके नीचे कर देना है, नीचे कर देना है, जो वाइट स्क्रीन था नीचे उसमें। और इसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखाई देगा, ब्लेंडिंग में जाना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद देखिए, यह आपका गाना ऐसे चलने लगा। और इस पर आप और इसको एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये फ़ोटो है, फ़ोटो पर क्लिक करके आप इसको बीच बीच में स्प्लिट कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ इसको, देखिए बीच बीच में स्प्लिट कर दे रहा हूँ इसको। कर दिया गाने का आवाज़, मैं उसको बंद कर दिया हूँ, नहीं तो उससे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। देखिए, मैं फ़ोटो को, ये जो फ़ोटो है इसको बीच में से कट दिया। और इसके बाद देखिए, ये जो प्लस का पॉइंट है, आप प्लस के पॉइंट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो इसमें एक लाइट इफेक्ट है, इसको आप लगाइए, ये सबसे अच्छा इफेक्ट लगता है। और इसके बाद और भी जितने प्लस दिखाई देने, उस पर आप अपने हिसाब से इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ज़्यादा करके लोग लाइट इफेक्ट ही लगाते हैं, तो इसको लगा सकते हैं आप। देखिए, ये लगा दे रहे हैं लाइट इफेक्ट। और सब पे आप लगाना चाहते हैं तो एक बार इस पर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर लाइट इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो सब पे लग जाएगा आपका लाइट इफेक्ट। और इसको फ़ोटो का अगर आप दाएँ बाएँ या ऊपर नीचे घुमाना चाहते हैं तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा जूम, जूम पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, जूम आउट, जूम इन, मूव राइट, मूव लेफ्ट लिखा हुआ था, मैं मूव राइट ले रहा हूँ। और उसके बाद अगले जो फ़ोटो में है उसको मैं मूव लेफ्ट में ले रहा हूँ। फिर अगले पिक्चर पे जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं मूव राइट ले रहा हूँ। फिर इधर से अगले वाले में मूव लेफ्ट ले रहा हूँ। और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए, अब मेरा ये रील्स वीडियो बन गया, देखिए। तो इस प्रकार के अगर आप भी रील्स वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात बता दूं, इस प्रकार के आप वाइट स्क्रीन लिरिक्स वीडियो आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जो भी गाना अगर आप जिस गाने पर बनाना चाहते हैं वीडियो, वो आप YouTube पर जाकर क्लिक कीजिएगा, लिखिएगा, तो आपका आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।